अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़ैनब खान एंड वेलकम बैक टू द खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, मुझे तो आप जानते ही होंगे और शायद कुछ ज़्यादा ही जानते हों। आजकल मैं वही लड़की हूं जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट दिया था और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूं पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में वीडियो डिटेल्ड। जो जो आपके सवाल थे वो सारे सवाल आपको मैं क्लियर कर दूंगी और ये वीडियो लाजमी आप लोगों ने एंड तक देखनी है। अगर इसमें आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी लगी कि मिसिंग है या कोई इसके बाद आपकी कोई क्यूरी रह गई तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं वीडियो में सब बता देती हूँ लेकिन आप वही क्वेश्चन बार बार कमेंट्स में पूछते हैं और मैं वो क्वेश्चन का जो कमेंट्स में भी देख के थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो सवाल होते रहते हैं। और ऊपर से मैं बहुत सुपर 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 डुपर बिज़ी आजकल चल रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी कॉलेज से आई हूँ, स्क्रब पहना हुआ है, चेंज भी नहीं किया। मैंने बस कहा कि आप लोगों के इतने सवाल आ रहे हैं और आप लोगों के अभी आई गेस डेट्स ख़त्म होने वाली है रजिस्ट्रेशन की, तो आप लोगों के जो जितने सवाल हैं वो जल्दी से आपको आंसर कर दूं ताकि आप लोगों के लिए तैयारी में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले तो ये कि मसले पीडीएफ जो बना हुआ था फिज़िक्स का पीडीएफ, वो मैं बहुत दिनों से लगी हुई थी, बहुत जदोजहद के बाद आखिरकार वो पीडीएफ मिल गया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी एंड कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। लेकिन जो चीज़ मुझे आप लोगों ने जो चीज़ बोल बोल के हर्ट की है कि वो ये कि मैंने वहाँ पर कमेंट भी छोड़ा हुआ था, पिन किया था कि आप लोगों को बताया था कि मैंने फ़ोन चेंज किया जिसकी वजह से मुझसे वो पीडीएफ डिलीट हो गया। समहाउ आई डोंट नो कैसे मिसप्लेस हुआ, लेकिन वो पीडीएफ मुझसे मिस हो गया, वरना अगर मैं पहले शेयर करी थी तो आप क्यों ना करती। तो बस वो हो गया था, लेकिन अभी दुनिया जहान में ढूंढ के वो पीडीएफ लाई हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज़ उस पीडीएफ पे कम्प्लीटली रिलाय ना कीजिएगा, क्योंकि हर साल एमसीक्यूज़ का एक पूल होता है और जब मैंने लास्ट ईयर दिया था तो मेरा टेस्ट आई गेस टेस्ट की डेट्स जब ख़त्म हो रही थी उससे 2-3 दिन पहले मेरा टेस्ट हुआ था। तो किसी अल्लाह के भले इंसान ने वो सारे जितने एमसीक्यूज़ रिपीटेड थे वही एमसीक्यूज़ जमा किए, उसको पीडीएफ फॉर्म में चेंज किया और मतलब अपने हाथ से लिख के पीडीएफ बनाया और ग्रुप्स में शेयर कर दिया, और जिस ग्रुप में मैं एडिट थी उन्होंने भेजा और मैंने जाते हुए सुबह सेंटर जाते हुए वो पीडीएफ पढ़ी, जिसकी वजह से आई गेस मैं पास हो गई। लेकिन मैंने फिर भी एमडी कैट की तैयारी की थी जिसमें मैंने फिज़िक्स थोड़ी बहुत पढ़ी थी, इसलिए मुझे वो भी फ़ायदा हुआ। तो आप लोग प्लीज़ कम्प्लीटली इस पर रिलाय ना कीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी पीडीएफ के क्वेश्चंस आएँ। तो बाकी अब हम लोग बाकी सवालों की तरफ जाते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्राइटेरिया क्या है। जो लोग पूछ रहे हैं कि हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी आई साइट, ये सारे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मैं सिर्फ जीडीपी के बारे में जानती हूँ, बाकी मैंने किसी भी कोर्स का टेस्ट नहीं दिया पाकिस्तान एयरफोर्स में, ना ही मुझे उनका पता है। और जो आप लॉजिस्टिक्स वगैरह का पूछ रहे हैं, मैंने आज तक उसके बारे में देखा भी नहीं है। तो उस टाइम पे मैं इसलिए आप सबको बता रही थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं जिस चीज़ से गुजर रही थी आपको साथ साथ में बता रही थी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा गुजरा है, तो मे बी वो आपके काम आ जाए। लेकिन अभी ये है कि मैं इस फील्ड से बहुत दूर आ गई हूँ, मैं अभी बीडीएस कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है और अभी मैं मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं, मतलब ब्लॉग का एग्ज़ाम मेरे सर पे है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, और इसके बदले में मुझे सिर्फ आपकी दुआएँ चाहिए बहुत 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 सारी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। नंबर वन, क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया आपकी 164 आप लोग देख लीजिएगा, 5.4 फीट अगर आपकी हाइट होगी या 164 सेंटीमीटर, तब आप एक्सेप्टेबल होंगी जीडीपी में। हाइट पे कोई वो रिलैक्सेशन नहीं देते, ओके। आई साइट 6x6 होनी चाहिए, उस पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। वेट का जो पूछ रहे हैं, वेट का ये सीन है कि आप जाएं पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उन्होंने बीएमआई इंडेक्स दिया हुआ है, अगर आप वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल करें बीएमआई कैलकुलेटर, उसमें आप अपनी हाइट एंड वेट डालें और उसके बाद वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका बीएमआई नॉर्मल है या आपका अंडरवेट है या आपका ओवरवेट है। आपका बेसिकली नॉर्मल होना चाहिए, क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आपका नॉर्मल होगा आप एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं इनिशियल टेस्ट में। इनिशियल टेस्ट में ये हुआ था कि 3 टेस्ट होते हैं जीडीपी में, पहला इंटेलिजेंस, दूसरा फिज़िक्स, तीसरा इंग्लिश। इंटेलिजेंस में आपके 33 वर्बल, मतलब बहुत सिंपल सी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, आपको कहीं भी जो मैंने 2 वेबसाइट्स बताई थी गो टेस्ट एंड पाक वन, वहाँ पर आप लिखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स इंटेलिजेंस वर्बल एमसीक्यूज़, पाकिस्तान एयरफोर्स इंटेलिजेंस नॉन वर्बल एमसीक्यूज़, वो आपको ढेर सारे टेस्ट देंगे जो आप कर सकते हैं और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
नंबर टू जो बुक्स का पूछ रहे हैं, बुक्स डोगर्स एंड कोकर्स की रिकमेंडेड है, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आपके पास इतना वो नहीं है कि आप पूरी पूरी बुक पढ़ें, आप जस्ट उसका सॉल्व करने का तरीका जान लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और आप ये दो वेबसाइट से भी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कम रिसोर्सेज में अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। खैर, इसके बाद जब आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल का टेस्ट पास हो जाएगा, आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आएगा स्क्रीन पे, एंड देन आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा जो कि है फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपके, मुझे अब टाइम और एमसीक्यूज़ याद नहीं है क्योंकि एक साल हो गया, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने टाइम भी बताया था और एमसीक्यूज़ भी बताए थे कि कितने टाइम में कितने एमसीक्यूज़ करने होते हैं आपको, तो वो आप देख लीजिएगा। वो जब आप कर लें उसके बाद आपका होगा इंग्लिश का टेस्ट। बहुत लोग कहते हैं इंग्लिश का टेस्ट मुश्किल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगा। सेंटेंस कंप्लीशन थी, प्रपोजिशंस थे, दो तीन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स थे, इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको एक साल हो गया, लेकिन बहुत सिंपल था। अगर आप सर पे सवार करेंगे तो आपका नहीं होगा, लेकिन अगर आप चिल माहौल में रहेंगे तो इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। ठीक है, वो जब हो जाएगा आपकी जो सनद होगी मैट्रिक की, उस पे आपको वो एक स्टार लगा के देंगे। एक स्टार मीन्स आप पास हो गए हैं, एंड देन वो आपको डेट दे देंगे मेडिकल की। मेडिकल में क्या होता है, जो पूछ रहे हैं कि रनिंग टेस्ट होगा या ये होगा या वो होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेडिकल में जस्ट वो आपका इनिशियली मेडिकल देख रहे हैं, ठीक है, इनिशियल की बेसिस पे। वो पहले तो आपकी नी वॉकिंग चेक करेंगे, फ्लैट फीट चेक करेंगे, एयर, नोज़, थ्रोट, आपके दांत वगैरह चेक करेंगे, आपका कैरिंग एंगल चेक करेंगे, और क्या, आई डोंट नो, वो आप ये चीज़ें होती हैं बेसिकली, इससे ज़्यादा कुछ भी चेक नहीं करते। ऑल राइट, इसके बाद आपका जब आता है, जब आपका मेडिकल भी पास हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर वो कहें कि मेरा डीएनएस है, तो आपको उस टाइम रेफ़र नहीं करेंगे। ऑल राइट, आपको किस टाइम रेफ़र करेंगे, जब आपका जो इंटरव्यू है वो पास होगा तब आपको रेफ़र फॉर्म देंगे और आपको पीएफ के किसी भी हॉस्पिटल भेज देंगे। ऑल राइट, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में मेरा जिस सेंटर में मैं गई थी वहाँ पर एक जनरल नॉलेज के लिए वो ले रहे थे, एक आई डोंट नो उनका क्या होता था, सॉरी, वो थे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एंड दूसरे थे वो साइकोलॉजिस्ट थे जिनके पास मेरा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहले मेरा नाम, इंट्रो कह रहे थे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर 2 मिनट्स, इंट्रोडक्शन आपने इंग्लिश में देनी है, कंप्लीट इंग्लिश। अगर आपको थोड़ा मसला हो रहा है बोलने में तो आप 2-3 दफ़ा शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले मैं ये बता दूं कि इंटरव्यू में आपने जाना कैसे है। आपने छमक छलो पहन के नहीं जाना, मतलब कलरफुल कपड़े ये वो, सादा कपड़े पहन के जाना है। अगर वो आपको आपके शूज़ की तरफ देखें तो आपने नर्वस नहीं होना, क्योंकि दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, जब आप किसी के जूतों में देखते हैं तो वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। वो आपके शूज़ को अगर देखें, आपने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, कॉन्फिडेंटली आपने हर बात का जवाब देना है। अगर मुझसे जो सवाल पूछे थे वो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, सब कुछ बताया, FSC कहाँ से की थी, मैट्रिक कहाँ से की थी, कितने मार्क्स आए थे, और ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, जितने भी प्लेन्स वगैरह हैं उसकी एक बार आप पिक्चर्स के साथ उनके नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे वो दीवार पे 3-4 तस्वीरें लगी थी, उन्होंने कहा कि आप इनमें से किसी का नाम बता दें। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं आते, लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दिया, अगर मैं GDP बनी तो ज़रूर इनके नाम पता चल जाएंगे। खैर, उन्होंने कहा कि आप GDP क्यों बनना चाहती हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, तो फॉर अ चेंज, वहाँ पर एक चेंज लाने के लिए कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, तो मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिसर बनूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। तो अल्लाह ने नहीं चाहा, इसलिए मैं अब BDS डॉक्टर बन रही हूँ। खैर, ये सब हुआ। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा वेट करवाया उन्होंने, और हाँ, जैसे आप जाएं ना, आप कोशिश कीजिए कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि जितना आप पीछे होते जाएंगे ना, ये नंबर वन ही आपका शो करेगा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, नंबर टू आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, शाम को जाके आप फ्री होंगे। मेरा सेकंड बैच में हो गया था, इसलिए मैं कोई 4 बजे फ्री हुई थी। नंबर थ्री, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कि आप लोगों ने सेंटर में क्या क्या लेके जाना है। ये सवाल
कोई नहीं पूछता, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। आपने फ़ोन नहीं लेकर जाना, फ़ोन की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, आप अंदर अपने साथ फ़ोन नहीं लेकर जा सकते। ऑल राइट, आप अगर घड़ी वगैरह लेकर जाएंगे तो वो भी आपके रखवा देंगे। ऑल राइट, ये हो गया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स का पूछे हैं, मैं जिस दिन गई थी मैं सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स का एनवेलप और एक पेन लेके गई थी, जिसकी आई गेस ज़रूरत थी और नहीं भी थी, ये सीन था। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि एक पेन कुछ भी ना लाएं, आपको पेन लाने की भी इजाज़त नहीं है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स लाएं और ख़ुद आएं। ऑल राइट, तो डॉक्यूमेंट्स के एग्जैक्ट नेम्स नहीं याद, आपकी जो स्लिप आई है उसके नीचे फुल वो डिटेल्ड एक बॉक्स है जिसमें आपको बताया है कि आपने डोमिसाइल लाना है कि नहीं। सनद बहुत इंपॉर्टेंट है, सनद आपने ज़रूर लेकर जानी है। जो लोग FSC के अभी स्टूडेंट्स हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया, आप जाएँ कॉलेज में अपना होप सर्टिफिकेट बनवाएं। होप सर्टिफिकेट दरअसल क्या होता है कि आपके कॉलेज वाले क्या उम्मीद रखते हैं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आएंगे FSC में। तो मैं जब गई थी मेरे कॉलेज वाले ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या उम्मीद है कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो मैंने उनको 80% बोला, जबकि मेरे 90% आए जब रिजल्ट आया। बट दैट डजेंट मैटर, आप जितने भी लिखवा लें, लेकिन ये इतने लिखवाएं कि आपके जब ऑफिशियल रिजल्ट आए ना तो वो आपका उससे ज़्यादा ही हो, कम ना हो, ठीक है। और इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें लेकर जानी हैं, जो वहाँ पे लिखा है उसको ज़रूर रीड कीजिएगा उस स्लिप पे, क्योंकि वहाँ पर फुल ऑन आपकी डिटेल लिखी हुई है। मेरे पास वो स्लिप नहीं है क्योंकि उन्होंने रख ली थी एंड पे, इसलिए वो स्लिप अब मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको बता देती कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। खैर, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने अप्लाई किया है या नहीं, इस बार मैंने अप्लाई नहीं किया, बिकॉज़ आई एम रियली हैप्पी इन BDS और अल्लाह ने मेरे लिए यही सोच के रखा हुआ था, तो मुझे यही मंजूर है। खैर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने अगर GDP के लिए अप्लाई किया है, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरी तह दिल से ये दुआ है कि अल्लाह हर एक को कामयाब करे, लेकिन हमें थोड़ा रियलिस्टिक होके सोचना है, क्योंकि सिर्फ 3 या 4 लड़कियां मैक्सिमम GDP में सेलेक्ट होती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो आप लोग, मुझे भी लगता था, मतलब हर इंसान इतना कॉन्फिडेंट होता है अपने आप को लेके, कि मुझे भी लगता था कि मैं उन 3 लड़कियों में से तो आराम से हो जाऊंगी। मेरा इनिशियल पास हुआ, आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, पहला स्टेज है, इतना खुश नहीं होती। मेडिकल पास हुआ, आई वाज लाइक ठीक है, दूसरे स्टेज पे भी पास हो गई। थर्ड स्टेज पे जब पास हुई तो आई वाज लाइक यार अब तो मैं उन 3 लड़कियों में हूँ ही हूँ, क्योंकि इंसान की नेचर ये होता है। लेकिन मैंने ये किया था कि मैंने GDP को सिर्फ ऑप्शन नहीं रखा था, मैंने बाकी जगह भी अप्लाई किया था। अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने GDP को ही अपना एम बनाया होता है, प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात नहीं है, इसमें महीने लग सकते हैं या फिर साल भी लग सकता है। जैसे मैं हर चीज़ पास करके आ गई, लेकिन आई गेस मेरा मेरिट नहीं बना, मेरा इनिशियल एंड साइकोलॉजिकल जो इंटरव्यू था उसका मेरिट इतना नहीं बना कि मेरे ISSB कॉल आए, तो मैं पास होते हुए भी रह गई। तो अगर आप इनिशियल में खुदा नखास्ता फेल हो जाते हैं या पास होके भी आपको ISSB कॉल नहीं आती, तो डिसहार्ट ना हुईगा, आपके लिए अल्लाह ने बेहतरीन सोचा होगा। ऑल राइट, एंड GDP को एज अ सेकेंड ऑप्शन रखिएगा, एज अ फर्स्ट ऑप्शन नहीं, क्योंकि इससे बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और ख़ुद को वो सेल्फ डाउट करने लगते हैं एंड वो अपने ऊपर फिर यकीन नहीं कर पाते हैं। यू गाइज़ आर द बेस्ट, आप लोगों को सब कुछ आता है, बस किस्मत की बात होती है। किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह आप होंगे वहाँ पर, किस्मत में नहीं होगा तो उससे बेहतरीन जगह में होंगे। आई होप मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा, एंड अगर इनमें से कोई इतने सारे सवालों का जवाब दिया, आई होप कोई सवाल नहीं रहा होगा, लेकिन अगर कोई रह गया तो आप कमेंट कीजिएगा एंड मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई करूँ। लेकिन अगर मैंने रिप्लाई ना किया तो आप प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि मैं कसम से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरी अपनी लाइफ सेट नहीं हो रही है फ़िलहाल, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा अपनी स्टडीज़ के लिए। आई होप आपकी इससे मदद होगी और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आपको बहुत याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।